एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार गुर्जर के द्वारा दमोह जिले की साफ सफाई व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। विशेष रूप से दमोह जिला मुख्यालय के 20 स्थानों को चयनित करके वहाँ पर 7 o'clock साफ सफाई करने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए थे, जिसके द्वारा अब नगर पालिका के माध्यम से भी यहाँ पर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दमोह के आम नागरिकों से इन 20 स्थानों पर सार्वजनिक रूप से कचरा डालने से बचने की अपील भी की है। उनका कहना है कि डोर टू डोर जो गाड़ियां पहुंचती हैं उनको ही वे कचरा दें, जिससे साफ सफाई में सहयोग किया जा सके। और यही कारण है कि कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देश के बाद और नगर पालिका की कार्यप्रणाली से अब इन 20 स्थानों पर साफ सफाई नज़र आने लगी है। इन 20 स्थानों की सुबह सवेरे आई तस्वीर का सुखद पहलू यह भी सामने आया है कि यहाँ पर साफ सफाई के लिए काफ़ी मशक्कत की गई, मेहनत की गई, तल्लीनता से कार्य किया गया और निश्चित ही यहाँ पर सफाई रखी गई। अब निश्चित ही दमोह के आम नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे इन सार्वजनिक स्थलों पर खुले में कचरा ना फेंकें, गाड़ियों को कचरा दें, जिससे दमोह को साफ स्वच्छ रखे जाने में सहयोग किया सके और दमोह क्लीन और स्वच्छ और सुंदर नजर आए। कलेक्टर की इस पहल के लिए सभी लोग उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। आज मैंने सुबह दमोह शहर का भ्रमण किया था और इस भ्रमण के दौरान नगर पालिका अधिकारी भी हमारे साथ थे और उनका पूरा हमला भी था। तो हमने सबसे पहला काम ये करना शुरू किया है कि शहर में ऐसे 20 स्पॉट हमने चिन्हांकित किए हैं जहाँ पर यदि मान लीजिए कोई सुबह निकलता है तो बड़ी पैमाने पर उसको सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर कचरा फैला हुआ मिलता है। तो मैंने ये निर्देश दिए हैं नगर पालिका को कि डेली बेसिस पर सुबह 7 बजे तक, बाकी सब जगह से तो आपकी सफाई व्यवस्था जो चलती है वो चलती है, लेकिन ये जो 20 स्पॉट हैं जो कि मतलब बिल्कुल ही मुख्य मार्गों के ऊपर स्थित हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा यदि कचरा और गंदगी रहती है तो इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है और शहर की छवि भी ख़राब होती है। ऐसी जगहों से डेली बेसिस पर सुबह 7 बजे तक यहाँ का कचरा जो है डंपरों के माध्यम से या गाड़ियों के माध्यम से किसी भी स्थिति में उठा करके इसको डेली बेसिस पे क्लीन किया जाएगा और प्रतिदिन CMO नगर पालिका स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करेंगी और हफ्ते में 2 दिन SDM जो हैं यहाँ के लोकल के वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। सो दैट ये जो बड़े स्पॉट्स हैं यहाँ पर गंदगी को लेकर के किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी और लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा इन जगहों पर। और हमारे शहर में जो एक स्वच्छता है वो पूरी तरह से हम बरकरार रख पाएंगे। मैं इस मामले में दमोह वासियों से भी एक मेरा विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि चूँकि नगर पालिका के द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जाता है तो मेरा अनुरोध है कि ये जो 20 पॉइंट्स हैं यदि हम लोग इस पर यहाँ पर हम कचरा ना फेंकें तो ऐसी स्थिति में और गाड़ियों को यदि देंगे हम डोर टू डोर कलेक्शन वाली गाड़ियों को तो ऐसी स्थिति में इन मुख्य मार्गों पर कचरा कम से कम इकट्ठा होगा तो शहर की सफाई बनी रहेगी। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बना के रखने के लिए और शहर हमारा स्वच्छ दिखे, सुंदर दिखे, इस दृष्टि से कृपया इन मुख्य मार्गों पर प्रयास रहे हमारा कि हम किसी प्रकार का कचरा न फेंकें। आप सबके सहयोग के लिए मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपका मुझे सहयोग मिलेगा, हमारे प्रशासन को सहयोग मिलेगा और हम सब मिल करके, क्योंकि देखिए स्वच्छता जो है ये हमारी संस्कार में और हमारी आदतों में आना चाहिए। हम दमोह को जो है अत्यंत स्वच्छ और क्लीन और ग्रीन शहर बनाने का जो हमारा स्वप्न है उसको अच्छे तरीके से साकार कर पाएंगे। आप सबके सहयोग की अपेक्षा है।